हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है अभी। यूपीपीसीएस उसका 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 15 दिसंबर को होने वाला है। 15 दिसंबर उसकी डेट दे रखी है ऑफिशियली, तो उसके लिए अब हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, जिसमें कि करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस, उन्हें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि उसमें वो वाली क्वेश्चंस डालें जो कि एग्जाम में आने के चांसेस, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और टाइम कम है तो उन क्वेश्चंस पे हमें हिट करना है जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक ऐसी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें पिछले 3 महीने के क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से देखने के बाद ये पता किया है कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रिपेयर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बाई विस डेट। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि दो चीज़ें बहुत न्यूज़ में चल रही हैं, एक NRC है और एक आ गया NPR, और एक तीसरा होता है सिटीजनशिप, जो कि आप लोग जानते हैं आधार कार्ड के बारे में। अब देखिए कि ये इसमें दिया हुआ है सिटीजन के बारे में, सी मतलब सिटीजन, जो देश का नागरिक है। अब इसमें दिया हुआ है खाली पॉपुलेशन के बारे में, मतलब क्या है इसका कि किसी देश में जो पॉपुलेशन रह रही है उसका तो ये NPR हो सकता है, लेकिन NRC किसका बनेगा, जो देश का सिटीजन है, ठीक है। और सिटीजन कौन है, एक रजिस्टर है जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है। होम मिनिस्ट्री मतलब जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा वो किया जाता है, मेंटेन मेंटेन कर रहा है। क्या है उसमें नाम है जो जो इस कंट्री के नागरिक हैं, तो उनको इस रजिस्टर में होना ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। अगर कोई बाहर का इंसान अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो फिर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें उसके प्रावधान दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे करके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, NRC को कन्फ्यूज़ नहीं करना NPR से। तो NPR जो है वो पॉपुलेशन का होगा। अब फिर सरकार ये क्यों कर रही है, ये इसलिए कर रही है सरकार कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन वर्क है। मतलब कि एक एक इंसान दो दो चीज़ों के फायदे ले रहा है, कि एक स्कीम है उसमें उसने एक नाम से भर रखा है, फिर दूसरी स्कीम दूसरे नाम से भर रखा है सेम स्कीम में ही, और उसका फिर वो ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सोल पर्पस है स्कीम चलाने का, जो कि टारगेटेड ग्रुप है, उसके लिए वो पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण उस स्कीम की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जा रही है। तो सरकार चाह रही है कि सिटीजनशिप के लिए तो आपके पास जैसे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड है, इस टाइप से एक पासपोर्ट बनता है, देन वो सिटीजनशिप को बताता है कि आपके किस सिटीजन किस कंट्री से आप सिटीजन। NPR में क्या होगा, इस टाइप का ये कार्ड बनेगा, लेकिन सरकार चाह रही है कि क्या पता आधार कार्ड को उससे लिंक कर दे कैसे भी, लेकिन सरकार चाहती है कि जो भी इस देश में रह रहा है उसका एक NPR हो, मतलब एक ऐसा रजिस्टर हो, तो सरकार उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अब इसका ओरिजिन कब हुआ था, इस टर्म का NPR का, इसका हुआ था स्टार्टिंग जब कारगिल वॉर चल रहा था, तो जब इस बात का जिक्र हुआ था कि ऐसा कोई रजिस्टर होना चाहिए जिससे कि लोगों के पास इंडिया में जो जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में पता चला सके, ठीक है। तो अब इसकी सरकार ने पुष्टि की है कि सरकार इसको पूरा करना जा रही है, तो वो कब तक इसको टारगेट दिया सरकार ने, दिया है कि वो दिसंबर 2020 तक इसे पूरा करने जा रही, सेप्टेम्बर 2020, सॉरी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, आंसर डी ऑप्शन बी है जो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। अभी एक पिछली बार जब सितंबर का महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने बोला था कि वन कंट्री और वन लैंग्वेज नाम का एक कुछ स्लोगन दिया था। अब इस पे जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको प्रॉब्लम्स हुई थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी इस देश को रहना चाहिए, रादर देन कि एक कंट्री में एक ही लैंग्वेज में उसे बांधा जा सके। लेकिन उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उनका जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। तो वो पार्ट में भी हमें उस आर्टिकल का विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें ये प्रावधान दिया हुआ है कि सेंटर मतलब जो पार्लियामेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो लॉ बना सकती है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो वो है आर्टिकल 351। तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया प्रिपेयर। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो कभी भी आ सकती है। तो लेकिन आपको पहली वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कब स्टार्ट हुई। तो जो मैंने डेट मेंशन की है वो सारी एजुकेशन पॉलिसियों के बारे में ही है। 1968 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई थी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे। अब उसके बाद तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, ये सेकेंड वाली एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद 92 में
सेम जो सेकंड वाली एजुकेशन पॉलिसी थी उसी में थोड़ा सा प्रावधान किया गया था, और जो एग्ज़ाम आप देखते हैं जेई वगैरह ये सब एग्ज़ाम उसी उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आए थे। और 2019 की वो बिल्कुल नई पॉलिसी है जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है और वो प्रिपेयर हो रहा है फाइनली। तो 2019 में आई है सबसे पहली, 1968 में आई है, मतलब 1968 में आई है, 1986 में आई है, 1992 में नई नहीं आई है, जो सेकंड वाली थी उसमें कुछ एडिशन किए गए थे। अब इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एजुकेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होने वाला होगा। अब 2019 की जो पॉलिसी है उसमें एक नया प्रिंसिपल अपनाया गया है, 5 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला सिस्टम रहेगा अब इसमें। अब इसको बाद में एलेबोरेट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ा कमी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फिर हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डी जो 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर ऑफ जज इज डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो कौन सी बॉडी है जिसके द्वारा जो जजेज हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनका ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें ट्रांसफर की बात की जाए न कि अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, ये बहुत ट्विस्ट हो सकता है इसमें। अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसे सेलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, एक कॉलोजियम होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसका किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं, उस वो वहाँ से कहाँ से आते हैं, उसके बाद फिर उसे क्लियर देते हैं, जो अपॉइंटमेंट पे कैबिनेट कमेटी है वो उसे क्लियरेंस देती है, और अब फिर उसे जो प्रेसिडेंट है वो उसे अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, ओथ दिला के। लेकिन इसमें हो रहा है ट्रांसफ़र की बात, तो ट्रांसफ़र में ध्यान रखना प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ये बिल्कुल याद रखना आपको। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केरला हाई कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो वो कौन सा केस है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि इंटरनेट का एक्सेस एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। अब पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले। फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थर्ड पार्ट में रखा गया है, और फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं कि ये अपने आप में आप इनका हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना प्रोसीजर क्या होता है कि आप कोई प्रोसीजर होता है कि आप लोअर कोर्ट जाते हैं देन हाई कोर्ट जाते हैं देन आगे जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं, लेकिन आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है देन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनका प्रोटेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोटी मोटी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, थर्ड जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इसका जिक्र किया गया है, तो थर्ड वाला याद रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो केरला हाई कोर्ट है उसने, अब इसमें हाई कोर्ट दिया हुआ है तो हाई कोर्ट भी आपको याद रखना है, इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, और एक हाई कोर्ट का एक से ज़्यादा स्टेट पर ज्यूरिसडिक्शन है। इसका मतलब क्या है कि मतलब लेट से कि दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का तो दिल्ली में ही है, लेकिन आप और कोई ले लीजिए जैसे हरियाणा हाई कोर्ट है तो उसका और कहीं और किसी स्टेट में भी होगा जो कि आस पड़ोस का है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो आपको 24 हाई कोर्ट हैं तो देन फिर कैसे मैच करोगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इस टाइप का स्टेटमेंट आता है कि एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है तो दैट इज़ रॉन्ग, ये ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कौन सा केस था जिसका जिक्र किया जा रहा है केरला जो हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो केस है फहीमा सिरीन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, मतलब केरला सरकार के विरुद्ध फहीमा सिरी ने एक केस दायर किया था जिसमें जिस केस का जो बाद में वर्डिक्ट सुनाते हुए जो केरला हाई कोर्ट है उसने ये चीज़ बोली थी कि इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट। तो ऑप्शन बी इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट रूल द ईयू रेगुलेशंस ऑन द राइट टू बी फॉरगॉटन डू नॉट अप्लाई बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मतलब कि एक कोर्ट है ईयू का, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, उसने बोला है कि जो राइट टू फॉरगॉटन मतलब आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में वो आप चाहते हैं कि वो पब्लिक ना हो, तो वो पब्लिक ना हो तो आप ये भी अपने राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं उसे भूल गया हूँ। ये वाला जो राइट है वो यूरोपियन यूनियन जिसमें कि 28 मेंबर्स हैं अभी, और वहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल रहा है ब्रेग्जिट का। ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपीय जो ब्रिटेन एक कंट्री है, ब्रिटेन को आप प्रिसाइज ब्रिटेन मत बोलना क्योंकि ब्रिटेन एक कंट्री है और यूके एक यूनियन है दो तीन कंट्रीज को मिला के, सॉरी आप किंगडम बोल सकते हैं इसे क्योंकि वहाँ मोनार्की चलती है, मोनार्की मतलब वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रानी है, ठीक है, तो मोनार्की बोलेंगे उसे। डेमोक्रेटिक कंट्री है वैसे क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहाँ की रानी होती है।
तो इसमें जो ब्रेक्जिट वाला पूरा इशू है उसमें यही है कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें कि 28 मेंबर्स ऑलरेडी हैं वो से दूर जाना चाहता है कौन, यूके। तो ये पूरा इशू अलग हो जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ब्रेक्जिट वाला इशू कैसे यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोर्ट है जिसने कि ये बोला है कि यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं, जैसे कि बता रहा था मैं 28 कंट्रीज हैं, वो रेगुलेशंस उसकी जो रेगुल पूरे यूरोप पे लागू नहीं है, मतलब यूरोपियन यूनियन के ही जो मेंबर्स हैं उन पर ही लागू है और उसकी बाउंड्री से बियॉन्ड नहीं जाएगा, ये कोर्ट का जजमेंट है। तो वो किस कोर्ट का जजमेंट है वो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी गलत है। अब लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पर है, ये द हेग में है जो कि कहाँ पर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पर है, यूरोप में। और ये ध्यान रखना हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही कंट्री के नाम है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन बी। यूरोपियन यूनियन जैसा कि इसमें लिखा गया, यूनियन किस चीज़ का यूनियन, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री हैं उनका यूनियन है। ओके, तो वो कंट्री कितने थे, मैंने बताया था 28। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये इसमें मैप देख लीजिए आप लोग, मैप में ये जो ब्लू कलर का हो रहा है प्लस ये ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये सब मिला के बनता है यूरोपियन यूनियन। ओके, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, ये यूरोप वाला पोर्ट है पूरा पार्ट है पूरा। यहाँ पर यूराल माउंटेन है, और यूराल माउंटेन के आप इधर साइड जाएंगे, ईस्टर्न साइड जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ये वाला पोर्शन जिसमें कि आपको दिख रहा है कि रसिया का एक्सपेंशन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये रसिया यूरोप में भी है और एशिया में, इसलिए इसे बोला जाता है यूरेशिया में है ये, ठीक है। और जो डिवाइड करता है जहाँ से यूरोप स्टार्ट होता है और यहाँ से बंद होता है एशिया वाला पोर्शन, वो यूराल पर्वत है, माउंटेन है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और इसी मैप से मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, ईस्ट, आप इस मैप को देखिए, इसका ईस्टर्न पोर्शन इधर साइड होगा, तो यहाँ वाले पोर्शन में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, उसकी मीटिंग होती है, अब इस साल जो हुई थी व्लादिवास्तोक में जो हुई थी, जो कि जापान के जस्ट ऊपर साइड जाएंगे, यहाँ वाले रीजन में बेसिकली ये लोकेशन है। तो आपको याद रखना है जो कि आगे क्वेश्चन आएगा उस टाइप का। तो ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पूरे वर्ल्ड का, तो ये जो रशिया वाला पोर्शन है उसका ईस्टर्न पोर्शन में जाएंगे, देन आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे वो सिटी है जिसका कि बेसिकली, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे, उन्होंने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रशिया को इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉल्ड नोन एज क्वाड। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चार जो इसकी भुजाएं होती हैं, इसलिए इसे क्वाड्रिलेटरल बोला गया। अब चार कंट्री हैं वो ऐसा पॉइंट, चार पॉइंट को जोड़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल बना रही हैं, इसलिए उस कंट्री उस जो संस्था बनाई जा रही है सिक्योरिटी डायलॉग के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए उसका नाम क्वाड रख दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कंट्रीज का पार्ट नहीं है। पहले मैं बताता हूँ कौन से कंट्रीज के पार्ट हैं, इसमें यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये क्या चाहते हैं चारों मिलके, ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन मतलब मैं दोबारा मैप पे जा रहा हूँ पिछले वाले पे, ये वाला रीजन ये इंडिया है, इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे इंडियन ओशियन है, और ये वाला पोर्शन सारा है पैसिफिक रीजन। तो ये पूरे पोर्शन में हमें फ्री एक्सेस चाहिए सी का। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नहीं एक्सेस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रोइंग पावर है जिसका नाम है चाइना, जो कि बार बार इसमें अड़ंगे डालता है। तो ये चाहते हैं चारों मिलके कि कैसे भी चाइना को कर्टेल किया जा सके, तो दिस इज़ द सोल पर्पस, ठीक है, ये इसका एकमात्र पर्पस है। आप देखेंगे इधर साइड, तो इसमें ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान है और इंडिया भी है, लेकिन एक ऑप्शन देखेंगे डी जिसमें ब्रिटेन का जिक्र किया गया, वो इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब इसमें वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं, बेसिकली जो मैंने पिछले मैप में समझाया है वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के ये वाला पोर्शन यहाँ से जो पास करते हैं, जो ये स्ट्रेट बनी हुई है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और हमारे पास यहाँ पे एक रीजन है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, जो कि बहुत क्लोज है, इसलिए हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो ईस्टर्न साइड है उधर साइड है। इवन आप देखेंगे कि नेवी के जितने भी ज़्यादातर कमांड है वो ईस्टर्न साइड है रादर देन वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पर्शियन गल्फ पड़ता है, प्लस इधर से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, प्लस हमारे जो रिलेशन हैं इन वाले कंट्रीज़ में, इनमें स्टेक्स ज़्यादा है, और हम लोग यहाँ पे ईरान में क्या बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट। जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ प्लीज़ उन्हें आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि ये सब अपने आप में ही क्वेश्चन है। मैंने आगे जो क्वेश्चंस डाले हैं उनमें एस टाइप के ऑप्शंस रखे हैं, कि जो हर एक ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो जल्दी से जल्दी आप याद कर सकें उन ऑप्शंस को, इसलिए मैंने उन्हें एक ही क्वेश्चन में डालने की कोशिश की।
क्वेश्चन एट है हमारे पास. क्वेश्चन एट में लिखा हुआ है, फिफ्थ मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मतलब कि पूरे जो वर्ल्ड मैप देखा था हमने अभी, इसका ईस्टर्न वाला पोर्शन, और यहाँ पर मैंने बता रहा था कि जापान के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर रशिया का ईस्टर्न पोर्शन, यहाँ पर इस जगह पर है व्लादिवोस्तोक, और ये एक सिटी है किसका, रशिया का. फिर यहाँ पर रशिया डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाया, आप देख पाएंगे कि ये वाला रीजन है, ये बहुत चिलिंग इफेक्ट होता है इधर पे, बहुत ज़्यादा कोल्ड. साइबेरियन कोल्ड डेजर्ट आपने सुना होगा, वो ये वाला रीजन है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका रहता है, इसलिए यहाँ पे हैबिटेट्स कम है. तो अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया इन्वायरमेंट में. तो रसिया चाहता है कि इस वाले पोर्शन पर डेवलपमेंट किया जाए. प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना का जो पावर है वो बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस दर्शाना चाहता था. ठीक है, तो इकोनॉमिक फोरम पे मैंने बात किया था, तो ये आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर है व्लादिवोस्तोक, कहाँ पर है, ऑप्शन डी जो कि रशिया में है. ओके, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. इस मैप में भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, सिमिलर चीज़ जो मैंने अभी बताई है, ये वाला रीजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबकीप कैन खुरेस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. वो कौन सी कंट्री है जो ये दो लोकेशन के नाम दिए हुए हैं, अबकीप एंड खुरेस. बेसिकली क्या है कि थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ईरान ने अटैक किया है सऊदी अरब के जो ऑयल फील्ड्स पर, तो ये उन ऑयल फील्ड्स के ही नाम है बेसिकली. तो आप यहाँ देखेंगे कि सऊदी अरब कंट्री है, उसके ऑयल फील्ड्स के नाम है ये, तो ऑप्शन बी इसमें आ रहा है सऊदी अरब. और सऊदी अरब कहाँ पर है, आप ये मैप देख सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन देख के आप जाएंगे वेस्टर्न एशिया की तरफ जाएंगे, देन आपको ये दिखेगा कि ये वाला कंट्री जो कि यमन से जुड़ा है और अमन ओमान से जुड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. यूएई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, ट्रेडिंग पार्टनर, और मक्का और मदीना जो मुस्लिम रिलीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट हैं, वो इसी कंट्री में. इसमें जो ये वाला रीजन दिया हुआ है वहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि कुराइस और ये दोनों जो ऑयल फील्ड्स हैं उनका लोकेशन है. तो आप क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. तो एक स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसका नाम है किसान मानधन योजना. इसमें क्या किया गया है कि जितने भी किसान हैं उनको पेंशन मिले, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको पेंशन मिलती है एक सर्टेन एज के बाद, तो इनके लिए भी ऐसा कोई प्रोविजन किया गया है. तो ऑप्शंस में देखेंगे आप, तो इसमें दिया गया है कि एंट्री एज इस स्कीम के लिए कितना है, 18 to 40, मतलब 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र के बीच में जो भी किसान है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वॉलेंट्री है. वॉलेंट्री मतलब आपकी मर्जी है तो करिए, नहीं तो फिर आप मतलब कंपलसरी नहीं, लीगली नहीं बाउंड कि आपको करना ही है, जैसे आधार मैंडेटरी आपको करना ही पड़ेगा अगर इस स्कीम का फ़ायदा लेना है. तो इसमें ये है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप ज्वाइन, फिर क्या करना पड़ेगा, आप 100 रुपये पर महीने देंगे, देन आपको जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी कितना, 3000 रुपये महीने. ठीक है, फिर उसमें कंडीशन दी हुई है कि अगर आपके साथ कोई गलत घटना हो जाती है देन आपके वो पेंशन वाला फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके स्पाउस पे या फिर आपके सिबलिंग्स को, ऐसे करके उसमें दिया हुआ है. तो इसको जो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करेगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. और तीसरा मैं जो बता रहा था अभी कि 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं. ये मैंने ऑप्शंस ऐसे इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं जैसा जिक्र कर रहा था पहले भी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस में इंफॉर्मेशन होगी तो उससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं. तो आप इसको ऐसे समझिए, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो एज ग्रुप है वो कितना है, तो ये आप बोल सकते हो कि 18 से 40 ये वाला. दूसरा किसी कौन मेंटेन कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो आप LIC बोल सकते हैं. तीसरा आप कितना उसमें वो मिलेगा, पेंशन मिलेगा, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं. तो लेकिन इसमें मैंने तीनों एक ही ऑप्शन में डाल दिए, इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी डाले, तो आपको पता ही चल गया कि क्वेश्चन 10 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस डिजीज़ है एक, ये किस पैथोजन के कारण होता है. इसमें बेसिकली आपको इतना बताना है कि ये बैक्टीरिया, वायरस या वॉर्म है या फंगल है, किस टाइप का है. तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सच आपको PhD नहीं करनी है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये भी, फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो किस टाइप के पैथोजन से होता है, तो वो वायरस की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड रिवर एंड मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन रिवर गंगा वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस. तो आपको पता है कि नेशनल हाईवे का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, तो रिवर्स हैं तो उनमें भी तो जो शिप हैं वहाँ मूव कर सकते हैं, तो उसको गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि वो मूव करें। तो जो मूव करेगी तो उसको कोई कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी चाहिए, तो वो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बस के लिए क्या होता है, आप अलग अलग सिटी में बस स्टैंड होते हैं, ऐसे इनके लिए भी क्या होगा, जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स जाएंगे तो उसके लिए आपको स्टेशंस टाइप से बनाने पड़ेंगे, टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा ही एक टर्मिनल बनाया गया जो कि सेकंड है अभी, इससे पहले एक बन चुका है जो कि बनारस में बना था, और दूसरा वाला बनाया है साहिबगंज जो कि झारखंड में पड़ता है। तो क्वेश्चन है पूछा गया सेकंड वाला कहाँ बना है, तो आंसर है साहिबगंज, और साहिबगंज कहाँ पर है, झारखंड में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और ये कौन सा है, आपको पता है नेशनल हाईवे का नंबर होता है कि ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है 3 है, ऐसे ही वाटरवे नंबर इसका भी नंबर होता है। तो जो वाटरवे है फर्स्ट वाला वो कब, वो किधर से है, वो बनारस से हल्दिया तक है, से हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर है, हल्दिया पोर्ट सुना होगा आप लोगों ने जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में एक और पोर्ट है जिसका नाम है डायमंड पोर्ट। ठीक, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड एडिशन ऑफ द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स इंडेक्स। तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा LEADS इंडेक्स, मतलब लीड्स इंडेक्स इस ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है ऑप्शंस में, तो इसमें लॉजिस्टिक की बात की है। लॉजिस्टिक क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ए प्रोडक्ट है यहाँ रखा है इस ए लोकेशन पे, तो यहाँ बी लोकेशन पे इसे पहुँचाने के लिए जो भी तरीके लगते हैं उसमें जो अपना दिमाग का इस्तेमाल होता है, आप मोटे मोटे तौर पर समझिए वही लॉजिस्टिक बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट स्टेट हैं उनमें एक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको कैसे मूव किया जा रहा है, उसमें कितने टैरिफ्स लग रहे हैं, उन सब के बेसिस पे उन्हें रैंक किया गया है, तो वो उसके बारे में ये रैंकिंग है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए, तो ऑप्शंस में है कि गुजरात हैज़ रिटेन द हाईएस्ट प्लेस, तो ये बिल्कुल ठीक है, इस साल की रैंकिंग है उसमें गुजरात को नंबर वन दिया गया कि मतलब गुजरात में सबसे आसानी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरे, क्यों, उसमें एक तो यही रहेगा कि कनेक्टिविटी वगैरह, दूसरी चीज़ क्या रहेगा कि वहाँ पर रेड टेपिज्म नहीं है। रेड टेपिज्म क्या होता है कि ऑफिसर लोग हैं जो जो घूसखोरी करते हैं वो सब नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, तो ये सब प्लस तीसरी चीज़ें टैक्स का जो परसेंटेज है वो कम होना पड़ता है, जब कम होता है देन मूव करते हैं प्रोडक्ट, वरना क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसका उस पर टैक्स लगते हैं, तो वहाँ पर बिजनेस कम होता है। ठीक है, तो इस बार में क्या हुआ है, गुजरात ने टॉप किया है। दूसरी बार यूटीज में, मतलब यूनियन टेरेटरीज में कितना है, सबसे ज़्यादा टॉप किया है चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, यूटी अभी इंडिया में 9 है क्योंकि पहले 7 थी और दो और बन गई हैं, J&K एंड लद्दाख। ये कब बनी, ये बनी 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सी ऑप्शन देखेंगे, इंडेक्स इज डेवलप बाई कॉमर्स मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द डिलोटे, ये ग्रुप है उसने बेसिकली इसको हेल्प किया है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज अ फाइनल आंसर। थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि हमें सारा सिलेबस ख़त्म करना होगा और हमारे पास बस 10 दिन है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें, ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जब कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो उसके लिए सॉफ्ट सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह चाहिए, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब के लिए कोड बनाया गया है। तो अब इंडस्ट्री का नाम आते ही आपको याद आ जाएगा कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो सकती है, या फिर उसके अंदर जो यूनियंस हैं उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री काम करती है, या फिर उनके जो भी सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट हैं उनको देखती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो स्वच्छता से रिलेटेड कहाँ पे आता है, ये भी सोशल सिक्योरिटी में ही आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। सरल, अभी लीड्स आई थी, एक लीड्स को याद रखना आपको, ये किससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, और सरल किससे रिलेटेड, रूफ टॉप मतलब सोलर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल कराना है अपने पूरे स्टेट में, किस जगह पर, रूफ टॉप पर, क्यों, क्योंकि जिससे कि जो मेन लाइन आती है उससे सप्लाई कम से कम देनी पड़े और फिर कोल वाला कंजप्शन कम हो, तो इससे क्या रहेगा कि जो हाउस हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो पाएंगे। कार्बन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके घर में जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतने से ज़्यादा आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे सेंस में, कि जैसे कि आप लाइट यूज़ करते हैं तो लाइट के लिए कहाँ से बिजली आ रही है, किसी थर्मल पावर प्लांट से, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या जल रहा है, कुछ ईंधन जल रहा होगा, वो कोल भी हो सकता है या फिर डीजल, वॉट एवर, तो उसको कंपनसेट कैसे करोगे आप, उतने जो जितने यूनिट आप करते हो यूज़ करते हो उतने यूनिट के लिए आप क्या लें, सोलर जो ऊपर सोलर
प्लांट लगा लें अपने घर के ऊपर सोलर रूफ टॉप पर, देन उसको कंज्यूम करें तो वो वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा आपका घर, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना आप लोगों को उससे ज़्यादा, चूंकि ऐसे ही रूफ टॉप वाला दिया देना आप तो समझ जाओगे, लेकिन ये चीज़ दे दी सरल रैंकिंग, देन आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है। तो पहली चीज़ क्या रखनी, लीड्स वाली जो मैंने बताई थी वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थी, अभी जो है ये सरल रैंकिंग है जो किससे रिलेटेड है, सोलर जो रूफ टॉप अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है बेसिकली। तो इसमें रैंकिंग हुई है सारे स्टेट्स की, मतलब किस स्टेट्स को हमें, हमने टारगेट्स दिए थे कि उन्हें ये काम करना है, उन्होंने ये किया कि नहीं, उसके बेसिस पे उन्हें रैंक किया गया। तो उसमें सबसे जो टॉप किया है उसमें किया है कर्नाटका स्टेट ने, तो ये याद रखना कर्नाटका स्टेट। ऐसे मत ट्राई करना कि जैसे कि इक्वेटर की साइड जो जो स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है इसमें। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 इज रिलीज बाई विच बॉडी, तो कौन सी बॉडी है जिसने कि कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट, मतलब कमोडिटीज़ का कैसे रिलेशन होता है डेवलपमेंट से, इस टाइप का एक एनालिसिस किया, उसकी रिपोर्ट रिलीज की है जो कि 2019 में ही किया है। तो वो किस बॉडी ने किया है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही कोई भी कमर्स से रिलेटेड बात आती है तो देन आप ये नहीं समझा करो कि WTO हर जगह इन्वॉल्व होगी, लेकिन इसमें एक नई संस्था है जिसका नाम है UNCTAD। बेसिकली ये UN की एक संस्था है, UN के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब इसके प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे और बहुत सारी एजेंसियाँ जो कि स्पेशलाइज काम करती हैं, जैसे IMO है या फिर FAO है, ये सब ये अलग अलग काम, जैसे FAO फूड के लिए काम करती है, IMO मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ऐसी एक एजेंसी है जिसका नाम है UNCTAD जो कि कमोडिटी डेवलपमेंट और मतलब जितना भी ट्रेड वाला एस्पेक्ट है उसको देखती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अब याद कैसे करोगे, CD दोनों आ रहे हैं तो देन CD वाला ये वाला याद रखना है, UNCTAD, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ट्रिबल ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एक रैंकिंग है, किस क्या है उसमें, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, मतलब हर कंट्री में अगर ट्रेवल और टूरिज्म के आस्पेक्ट को जोड़ा जाए देन कंट्रीज़ को हमने लिस्ट किया है। उसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उसमें ट्रेवल करने और फिर उसके बाद टूरिज्म के हिसाब से क्या क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या क्या वहाँ फैसिलिटी हैं, उन सबको ऐड करने के बाद उनको फिर वेट किया गया है, उनको रैंक किया गया है। तो उस रैंकिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन है पूछा गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि इस जो रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये याद रखना है। अभी जो रैंकिंग है 2019 में वो है इंडिया की 34, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन क्रायोग्राफी सॉरी क्रायोस्फेयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट SROCC रिलीज बाई विच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे ही आपको, जैसे ही साइंटिफिक हो जाती हैं चीज़ें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी साइंटिफिक चीज़ बात पूछी जा रही है तो 110% वो IPCC होगा, क्योंकि एकमात्र संस्था संस्था है जो कि इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट में स्पेशलाइज की गई है साइंटिफिक आस्पेक्ट को रीड करने के लिए, वो है IPCC, यही याद रखना है आपको बस। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं UNEP ये सब वैसे ऊपर ऊपर वाले प्रोग्राम करते हैं कि जैसे कि हमें ऐसा कर देंगे, मतलब 2% हम घटा देंगे ग्रीन हाउस देन हो जाएगा, लेकिन ये प्रिसाइस बताएगा कि कितने परसेंट बढ़ाना है, कितना घटाना है, क्या टारगेट होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक बॉडी है जो कि सारे कैलकुलेशन के बाद बेसिकली बिल्कुल रैशनल और टारगेट सेट करती है और उसके बाद फिर उसे अचीव करने के लिए, और इसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनका रेफरेंस लेके बाकी जो बॉडी हैं वो प्रोग्राम्स बनाती हैं। तो आपको ध्यान रखना, जैसे ही आपको लग रहा है कि क्रायोस्फीयर समथिंग ऐसा जा रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें की बात हो रही है, तो देन ट्राई करना कि आपको इस क्वेश्चन में तो छोड़ो ही, बाकी और कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे साइंस की थोड़ा बात होने लग जाए कि इतने परसेंट बढ़ गया, इतने परसेंट जो मीथेन का परसेंटेज बढ़ गया इन्वायरमेंट में, या फिर ग्रीन हाउस गैस इतने टाइम में इतना हो जाएगा, तो 100% चांस होगा कि IPCC ने वो रिपोर्ट दी होगी, तो ये याद रखना है IPCC। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP14 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वॉज कन्वीन एट विस प्लेस, तो इसमें याद क्या रखना है, एक 1992 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें तीन बॉडीज, जिस मीटिंग का जो रिजल्ट था उसमें तीन बॉडी थी, उसमें UNFCCC, UNCCD और UNCBD, मतलब जो पहली वाली है वो देखती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में, अब जो दूसरी वाली बॉडी है वो देखती है डेजर्टिफिकेशन जितना हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, तीसरी वाली है CBD, मतलब
जो बायोडाइवर्सिटी है उसके उसको कैसे कंजर्व किया जाए। तो ये तीन बॉडी निकली हैं कब, एक 1992 में एक मीटिंग हुई थी, इसको अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है, इसी की देन है। और इसी में से आगे फिर क्योटो प्रोटोकॉल और जो भी बेसल कन्वेंशन और जो भी निकलेंगे वो सब इन्हीं में से निकलेंगे, आपको याद रखना है ये तीनों चीज़। अब इनमें से जो दूसरी वाली है UNCCD है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी मीटिंग हुई है 14th वाली, वो कहाँ हुई है, वो हुई है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। और इसको किसने अटेंड किया होगा, ऑब्वियस है, जब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर से अटेंड करेंगे। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और जो पहली वाली है UNFCCC, इसका क्या हुआ कि अभी इसकी मीटिंग होनी थी 25th, जो COP होनी थी वो होनी थी चिले में। चिले एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, लेकिन वहाँ पर राइट्स हुए और वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रस्ताव दिया कि वो इसे आयोजित नहीं करा सकते, तो अब ये शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, ये हो गया है स्पेन में। स्पेन में एक शहर है जिसका नाम है मैड्रिड, आप फुटबॉल देखते हैं तो ये शहर जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। तो मैड्रिड में शिफ्ट हो गया COP 25, ये याद रखना आप लोगों को। तो और इस वाले क्वेश्चन 20 का जो फाइनल आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टार्टेड कैंपेन टू गेट रिड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वाई विच ईयर। तो इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करके आप फेंक देते हो, ठीक है, जैसे कि आप पॉलीथीन है उसे आप एक बार यूज करते हो देन फेंक देते हो, ऐसा नहीं रखे रखते हो कि मैं उसे अब अगली बार और यूज करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसी वाली प्लास्टिक को हम हटाना चाहते हैं, तो उसे कब तक हटाना चाहते हैं उसकी एक डेडलाइन सेट की है, वो कब है, तो वो सेट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022। तो उसे फेस्ड मैनर में हटाया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके, क्योंकि और दूसरी उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढना होगा हमें, या फिर इंसेंटिव दे देंगे जो किसान है जिससे कि वो जूट का प्रोडक्शन कर पाए और उसका रिप्लेसमेंट मार्केट में आ सके, तो उसको 2022 तक हमें हटाना है पूरे मार्केट से। तो टारगेट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट प्लस 2.0 की, आपको पता है फॉरेस्ट की एक इकोनॉमिक कॉस्ट तो होती है, लेकिन उसकी एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होती है जो कि हम लोगों को पता नहीं होता है। लेट्स से कि हम कोई मकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो वहाँ रेंट, मकान छोड़िए एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, कोई बिजनेस होता है, तो बिजनेस में क्या करते हैं हम, उसके सारे फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, जितने भी कैपिटल वगैरह, उन सब की कॉस्ट जोड़ने के बाद बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट में या कि लॉस में। सिमिलरली हम इन्वायरमेंट को किसी भी जो कैलकुलेशन है उसमें कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी निकालने की कोशिश की जा रही है कि हम कितना इसको बर्बाद करते हैं और कितने का लॉस करते हैं, वो सब चीज़ें से जिससे कैलकुलेट की जाए और इसे भी क्वांटिफाई कर पाएंगे तो देन पब्लिक टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग, वो चीज़ें आ पाएंगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 22 है इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो इंडिया में तो आपको पता है जैसे ही फॉरेस्ट्री का नाम आया देन प्रॉब्ली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एक एजेंसी है जो कि USA की एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं USAID, उन दोनों ने मिलकर इसको बेसिकली प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि बोथ ए बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट टू बी सेटअप एट विच प्लेस। तो कौन सी जगह है जहाँ पर कि कोल गैसिफिकेशन बेस्ड जो कि फर्टिलाइजर प्लांट बना, फर्टिलाइजर किसमें, इंडिया में याद रखना एग्रीकल्चर में तीन फर्टिलाइजर बहुत यूज होते हैं जिनको बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास, ये तीनों होते हैं। बाकी चीज़ें हैं मतलब NPK, फिर ये आता है CAMGNS, मतलब सल्फर भी यूज होता है, कैल्शियम भी यूज होता है, मैग्नीशियम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ वाला बेल्ट जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं NPK। अब पंजाब की जो जितनी भी सॉयल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है कि इनका एक्सेस यूज हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि बाद में हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन वाला प्लांट लगाया गया है फर्टिलाइजर का, तो वो लगाया गया है कि तालचेर, एक जगह है उड़ीसा में वहाँ पर। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के CM है नवीन पटनायक। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में एक पारादीप पोर्ट है जहाँ से जापान और जो भी साउथ जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है एशिया का उसके लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप उड़ीसा के मैप में ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये है तालचेर रीजन, भुवनेश्वर से ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर, तो ये तालचेर रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च 10 ईयर रूरल सैनिटाइजेशन स्ट्रेटजी 2019-2020
2019 टू 2029, मतलब 2019 से 2029 तक के लिए एक रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी बेसिकली एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है इसका पूछा गया क्वेश्चन में। तो जैसे ही वाटर का सैनिटेशन, क्योंकि जितना एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें दो वो हैं पार्ट, एक है रूरल वाला पार्ट और एक है अर्बन वाला पार्ट। अर्बन वाले पार्ट को तो इम्प्लीमेंट कर रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। रूरल वाले पार्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं कर रही, उसको कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये आप याद रखना, ये कॉमन बात है लेकिन गलत कर सकते हो इसे, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। दूसरी चीज़ क्या है कि अब जैसे रूरल डेवलपमेंट की बात आई तो यहाँ पर जो कि सैनिटेशन की बात आई तो आप लोग ये ना समझें कि फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री उस चीज़ को देख रही है तो प्रॉब्ली जल शक्ति मिनिस्ट्री उसे रिलेट कर रही होगी, नहीं, इसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एज पर SSC-CGL 2018-2019। मतलब कि 2018-19 की जो रिपोर्ट आई है जिसमें हायर एजुकेशन के बारे में बोला गया है कि उसमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से 12th क्लास में जितने बच्चे पास हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, उसका रेशियो पूछा गया है। अगर यहाँ 100 बच्चे पास हो रहे हैं तो कितने बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं, पूरा डिग्री कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो इसमें पूछा गया कितने परसेंट है इंडिया में अभी, अभी में है 26%, मतलब 26.3%, मतलब 100 लोग इसमें से पार्टिसिपेट 12th क्लास पास कर रहे हैं तो उसमें से बस 26.3 लोग ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है इस देश की। तो आप देखेंगे क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट अ साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। मतलब आपने सुना होगा CSR का कॉन्सेप्ट, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए टैक्स तो देंगे, वो तो उनकी लीगल बाइंडिंग है, लेकिन उनके लिए कुछ करें तो वो अपने जो प्रॉफिट है उसमें से 13% इन सब प्रोग्राम्स पे लगाते हैं कि कहीं पे जो वृद्धा आश्रम खुलवा दिया, फिर एजुकेशन के लिए कुछ करा दिया, इस टाइप के प्रोग्राम्स कराते हैं। आप लोग देखते होंगे कि नीता अंबानी जो बच्चों के साथ, कैंसर पीड़ित बच्चे हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं, वो सब फ्री में नहीं हो रहा, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR बोलते हैं उसे, लेकिन उसे वो मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया जिसको SSR बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब साइंटिफिक जो बॉडीज़ हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में साइंस का प्रचार प्रसार हो। तो उसके लिए एक कौन सा कंट्री है जिसने पॉलिसी बनाई है, तो वो है इंडिया। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने एक ऐसा पॉलिसी बनाई, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम जिसको कि अभी इसरो देखता है उसके फादर किसे माना जाता है, वो हैं विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना आप लोगों को कि जो चंद्रयान मिशन इंडिया ने छोड़ा था, चंद्रयान 2 मिशन जो छोड़ा था, उसमें जो लैंडर था, मतलब जो लैंड करने वाला था उसकी सरफेस पे, मून की सरफेस पे, उसका नाम भी विक्रम था। तो वो एक ट्रिब्यूट था किसको, विक्रम सारा भाई को। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो नाविक क्या है कि इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम मतलब आप GPS यूज़ करते होंगे, ऐसे ही GPS जैसा सिस्टम इंडिया अपना खुद का डेवलप करना चाहता है। GPS किसका है, ये USA का है। तो इंडिया क्या है, किराए पे लेके इसे काम चलाता है, ऐसा ही इंडिया ने डेवलप किया जिसका नाम है नाविक। अब ऑप्शंस में देखिए, इट इज़ इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, तो जो सैटेलाइट्स इंडिया ने इंस्टॉल किए हैं उसमें 7 टोटल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि 3 जियो स्टेशनरी और 3 जियो सिंक्रोनस हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो अर्थ का जो रोटेशन है उसके रोटेशन के बिल्कुल सिमिलर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इसकी जीरो होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्या देखेगा कि जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है तो देन आपको लगता है कि सामने वाली चीज़ बिल्कुल रुकी हुई है। तो इसी चीज़ को यूज़ किया गया, तो इस टाइप की जो 3 सैटेलाइट होंगी और 4 हैं जियोसिंक्रोनस, तो ऑप्शन ये भी ठीक है। और ऑप्शन सी देखेंगे आप, सी में ये दिखा गया कि दोनों ए बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इंडियाज इंडिजीनस फ्यूल सेल सिस्टम। तो इंडिया ने अपना एक इंडिजीनस फ्यूल सेल सिस्टम अभी जनरेट किया है, तो उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का मेरा एक सोल पर्पस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस होके और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाई जा सकती है, तो मैंने वही ट्राई किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। आप देखेंगे ऑप्शन ए जिसमें कि बोला गया है कि डेवलप्ड बाई द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी, इसका जो अभी साइज़ है वो है 5K वॉट, मतलब
5 किलोवाट फ्यूल सेल का इसका पूरा सिस्टम है। तीसरा कि इसकी एफिशिएंसी अराउंड 70%, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनमें कहीं पे भी नंबर ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ 5 की जगह 6 या 7 कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह 60% या 80% कर देंगे, तो आपको घुमा सकते हैं। तो ये प्रिसाइसली याद रखना है 5 एंड 7, ठीक है, और CSIR द्वारा डेवलप किया गया। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज़ अ फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, इन्होंने ही CSIR की स्थापना की थी। तो ये किस फील्ड से, CSIR किस फील्ड में बेसिकली अपने क्षेत्र को देखता है? वो क्षेत्र है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इनका पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कहाँ से रिलेट करना है आपको? CSIR से। आपको मैंने दो चीज़ बताई हैं, एक तो बताया कि इस उसके स्पेस प्रोग्राम के इंडिया के कौन फाउंडर हैं, वो आपको पता ही चल गया, विक्रम साराभाई। और दूसरे कौन हैं जो कि CSIR के बारे में बताया, जो वो कौन है? शांति स्वरूप। इनके नाम पे एक अवार्ड आता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो हड़प्पन साइट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी भी उसकी खुदाई चल रही है, तो उनमें एक साइट पाई गई है जो कि राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो एक्सपेंशन इतना दूर दूर तक था, तो उसकी एक साइट है जो कि राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में है, जिसका नाम है राखीगढ़ी साइट। तो वो किस स्टेट में होगी? वो हरियाणा स्टेट में है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं मैप, इंडिया का मैप देखेंगे तो ये हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट के जस्ट इधर देखेंगे तो ये वाला हिसार के पास वाला रीजन राखीगढ़ी है। तो ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। रिसेंटली GI टैग डिंडीगुल लॉक एंड द कांदांगी सारी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो एक GI टैग दिया जाता है, GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि इस वाले रीजन में ये वाली चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। मतलब कि लेट्स से कि आपके शहर का कुछ फेमस है, कि यहाँ पर हमें जैसे मुरादाबाद के जो आर्टिफैक्ट जो छोटे छोटे वो हैं, या फिर अलीगढ़ एक शहर है उसके ताले लॉक्स, ये सब इंडस्ट्री, तो इस टाइप के जो लोकेशन है, या फिर कहीं पे बासमती चावल, या फिर यहाँ पे दार्जिलिंग की टी है, इस टाइप से कुछ है ना, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन दिया जाता है कि इस जगह पे ये वाली चीज़ बहुत ही जो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है, तो उसको GI टैग दे दिया जाता है। अब ऐसी ही दो चीज़ों को अभी रिसेंटली दिया गया है, इसमें डिंडीगुल के ताले लॉक्स को दिया गया है, और दूसरी जो कंदांगी साड़ी मतलब वहाँ की जो साड़ी हैं उनको दिया गया कि वहाँ पर वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में अभी भी बची हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस वाले स्टेट में जैसे कि आप ब्रांड बोलते हो कि एडिडास चाहिए या ये वाला चाहिए, तो आप अगर उस चीज़ के जैसे दार्जिलिंग की चाय चाहिए तो आप दार्जिलिंग ही बोलोगे मुझे दार्जिलिंग चाहिए, तो दार्जिलिंग वाली पे GI टैग है, तो उस पर वो आप प्रमोट कर सकते हो कि ये वहीं से है, तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी, देन वहाँ के जो फार्मर्स हैं ऑल दो थिंग, वो आप उसका इकोनॉमिक आस्पेक्ट देख सकते हैं। तो ये किस स्टेट से बेसिकली बिलोंग करते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है तमिलनाडु स्टेट से, याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडिया कैरीकॉम लीडर समिट हेल्ड एट विच प्लेस? तो पहले तो इसे समझ लेते हैं कैरीकॉम है क्या। आप देखेंगे आप मैप में कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इसके बीच में यहाँ पे आइलैंड्स हैं बहुत सारे। ये जो आइलैंड्स हैं, ये नेशंस को यहाँ पे मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया है, इनका जो एसोसिएशन है उसको बेसिक, इनको जो आइलैंड्स हैं इनको कैरिबियन आइलैंड बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बहुत सारी जो आइलैंड्स हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, इनके ही प्लेयर मिलके एक टीम बनाते हैं जिसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जो प्लेयर, जो ऐसे ही इनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना हुआ है, मतलब सारी कंट्री एक दूसरे से इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की गई है, जिससे कि यहाँ पर जो गुड्स का जो फ्लो है बहुत आसानी से हो सके। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, बाकी इकोनॉमिक आस्पेक्ट वही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट और आपका CAD और ऑल दोज थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन चाहता है इंडिया, इसके साथ इंडिया रिलेशन चाहता है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब USA गए थे, तो वहाँ उन्होंने इसकी फर्स्ट मीटिंग की थी। तो USA में कौन सी जगह है? न्यूयॉर्क में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन ए न्यूयॉर्क इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, जो स्किल के लिए इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट हुआ, भारतीय कौशल संस्थान बोला है, वो किस जगह पर सिचुएटेड है? तो अभी अहमदाबाद में बन रहा है, लेकिन दो और आने वाले हैं जो कि कानपुर और मुंबई में आने। तो ऑप्शन ABC तीनों ठीक होंगे इसमें। तो ये तीनों लोकेशन आपको याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात में है, कानपुर UP में, और मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के नए CM कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं।
तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करिकुलम फॉर लाइफ स्किल जीवन कौशल लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री। तो ये जीवन कौशल करके एक प्रोग्राम है, वो किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया। इसमें एक ट्विस्ट है कि लॉन्च पूछा गया है, देन आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, और ये बताया ये पूछा गया ये किसने प्रिपेयर किया है, तो वो यूजीसी ने प्रिपेयर किया है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लॉन्च किसने किया है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। मतलब पूरे देश पूरे वर्ल्ड की जितनी भी सिटी हैं फेमस उन सब के लिवेबिलिटी इंडेक्स बनाएगी, मतलब रहने के लायक हैं कि नहीं उसके हिसाब पर, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए होती है उनके बेसिस पर उन्हें इंडेक्स किया गया, मतलब उन्हें रैंक किया गया। तो सबसे जो अच्छा शहर निकला वो निकला इस साल में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ओके, और इंडिया के दो सिटी आए इसमें, एक दिल्ली आया, 140 सिटीज़ को रैंक किया गया, तो इंडिया के दो शहर हैं जिसमें कि दिल्ली है और मुंबई है, इसको 117 मिला और इसको 118, मतलब इसकी रैंकिंग 117 है और 118 है मुंबई की, तो दिल्ली उससे ऊपर है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली के बारे में बन सकता है, मुंबई के बारे में बन सकता है, तो आपको याद रखना है दिल्ली की रैंकिंग है 117 और मुंबई की 118, और सबसे टॉप पे आया कौन, वियना, जो कि कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, यूरोप में। तो क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द न्यूएस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। तो आपको पता है कि जो सेंटर की दो तरह की सर्विस होती हैं बेसिकली, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी बोलते हैं जैसे, वो दो तरीके की सर्विसेज को बेसिकली लेता, तो बी जो सर्विसेज हैं उनके कैडर को भी लेता है, लेकिन ए सर्विस में जो आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक ऑल इंडिया सर्विस होती हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है उनमें एक सर्विस को भी इंक्रीज किया गया, ऐड किया गया, तो वो कौन सी जो सर्विस है उसे ऐड किया गया। वैसे ऑल इंडिया सर्विस तीन है, ये ध्यान रखना, IAS, IPS और IFOS, मतलब फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है, इसे अभी रिसेंट में ऐड किया गया है, तो ये नई सर्विस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में जुड़ी है, तो ऑप्शन बी इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो आपको अब लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ऐसे लिख दिया गया ए डब्ल्यू ई वी वॉज इन न्यूज, ये न्यूज में था, विच इज रिलेटेड टू, मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है, तो वहाँ आपको ये फुल फॉर्म नहीं स्ट्राइक करेगी, देन आप नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, तो इलेक्शन बॉडीज हैं जितने भी वर्ल्ड की जो कंट्री हैं उनके एक एक इलेक्शन बॉडी, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे पाकिस्तान में होगा और किसी यूएसए में होगा, ऐसे होंगे, तो उनकी जो बॉडी है उनकी एक मीटिंग हुई, उनका एसोसिएशन है, जैसे कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। अब उनके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो एसोसिएशन बनाया उन्होंने उसके बारे में, तो ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था साउथ कोरिया में, ये बिल्कुल ठीक है। साउथ कोरिया कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एशिया में, इसकी कैपिटल है सियोल, ठीक है। अब दूसरा है इंडिया विल ऑल्सो टेक ओवर एज ए वी चेयर फॉर 2021, मतलब 2019 से जो 2021 तक इसका जो एसोसिएशन का जो चेयरपर्सन रहेगा वो कौन रहेगा, वो इंडिया रहेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही। और इसकी फोर्थ जो जनरल असेंबली हुई थी एवेब की, जो बेंगलुरु में हुई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो और सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर होगा, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जो इसकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई है, वो बेंगलुरु में हो, और इंडिया कब से कब तक है, ये ध्यान रखना 19 से 21 तक, और पहली बार इसकी कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 2013 में। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, टी भी सी भी सही है, तो डी इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर विल बी सेटअप एट इन विच स्टेट। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, मतलब कि वहाँ पे सारी फैसिलिटी होंगी और ट्रेड करने का उन्हें मौका मिलेगा, ये ट्रेड सेंटर्स होंगे, उसमें क्या रहेगा कि जितनी भी स्किल्स हैं आप सीख सकते हो और कल्चरल एक्टिविटी वगैरह सब कुछ उसमें बेसिकली रहेगा। तो ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला है केरला स्टेट में, और केरला स्टेट में स्पेसिफिकली कोझीकोड, जिसको कालीकट पहले बोलते थे, अब कोझीकोड बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द समुद्रयान प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आपको सुना होगा चंद्रयान, चंद्रयान में क्या था कि हम चंद्रमा पर गए थे कुछ खोज करने, ऐसी समुद्रयान मतलब समुद्र के अंदर जाएंगे, तो समुद्र के अंदर कौन जाएगा, कोई तीन लोगों को भेजा जाएगा 6 किलोमीटर नीचे, क्यों भेजा जा रहा है भाई,
क्योंकि जिससे कि वहाँ की सरफेस जो सी सरफेस है, ओशियन की सरफेस है, उस पर रिसर्च वर्क कर सके। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय ये सब कर रहा है? तो ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे और 3 लोग जाएंगे, और ये है एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अस्त्र मिसाइल। तो एक मिसाइल है, इसका नाम है अस्त्र, उसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अस्त्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब एयर से छोड़ी जाएगी और एयर में हिट करेगी। जैसे कि अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ऊपर हमारे पास कोई जेट रहेगा, जैसे सिखो सुखोई रहा या फिर और कोई रहा, बाइसन रहा, ये सब रहे, इनमें लगा के इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा और एयर बॉन्ड, मतलब एयर में ही जो भी आपका टारगेट रहेगा उसे ध्वस्त करेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, मतलब आपको जहाँ तक दिख रहा है उसके आगे भी ये देख पाएगा। तो ऐसे कैसे देख पाएगा, एक थर्मल इमेजिंग करके होता है कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप कहीं भी मूव कर रहे हो तो देन उसकी एक एनर्जी एमिट होती है, तो एनर्जी एमिट हो रही है उसे आप सेंस कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, उसके बेसिस बेसिकली रडार भी ऐसे ही काम करता है, तो उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हिट कर सकते हो। तो इस टाइप की मिसाइल है ये, जिसमें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज भी ये हिट कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन है कि ये DRDO द्वारा डेवलप की गई है। तो ABC तीनों करेक्ट हैं इसमें, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन। तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, प्रोजेक्ट 75 नेवी के लिए। इसमें क्या है कि इंडिया बहुत सारी स्कॉर्पियो बना रहा है, सबमरीन्स बना रहा है। सबमरीन्स क्या होती हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी है, ऊपर चल रहे हैं जहाज, लेकिन नीचे थोड़ी नीचाई पर क्या करते हैं ये सबमरीन्स घूमती हैं, जो कि स्पाइंग का काम करती हैं, प्लस जिससे कि स्ट्रेटजिकली लोकेट किया जा सकते हैं कि कहाँ पर अटैक करना या फिर दूसरी कंट्री में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब नीचे के वाटर में, जो कि ऊपर से तो सब देख रहे हैं लेकिन नीचे से कौन मूवमेंट कर रहा है ये सब नहीं पता चलेगा, तो ये सब निगरानी करने के लिए सबमरीन होती है। तो इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 75। अब इसमें हमें 6 चाहिए स्कॉर्पियन क्लास की जो अटैक सबमरीन है, उसमें से पहली वाली का नाम पूछा गया है कि वो कौन सी है। तो पहली वाली होगी INS कलवरी, दूसरी है INS खंदेरी, और तीसरी है INS खरांज। INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, तो ये वर्ड लगाया जाता है सामने, ठीक है। और ये सब नाम कैसे होते हैं कि ये डिपेंड करता है कि इनका एक मार्किंग, जो नाम देने का एक पूरा प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसके तहत दिया जाता है। जैसे आपने सुना INS नीलगिरी, INS शिवालिक, तो इस टाइप से जो भी फ्रिगेट होते हैं उन सबको इस टाइप के नाम दिए जाते हैं, INS विराट रहा या फिर INS जो भी इस टाइप विक्रांत रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेजर वॉरशिप इन इंडिया विच वॉज बिल्ट यूजिंग द इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। तो कौन सा जो वॉरशिप है, जो ऑप्शंस में दिया उनमें से, जो कि इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से बनाया गया, जो कि फर्स्ट है इंडिया में इस टाइप का, तो वो है INS नीलगिरी, तो ऑप्शन सी। और नीलगिरी क्या है, नीलगिरी आप देखेंगे तो ये पर्वत का नाम, जो रेंज है माउंटेन रेंज उनका नाम है, जो कि कहाँ पर है, जो कंजक्शन पॉइंट है इन 3 स्टेट्स का, किस किस का, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, यहाँ पर बेसिकली नीलगिरी रेंजेज हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेस सेटर फंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये इंडिया के साथ मिलके एक कंट्री ने इसको, इस जो फंड है उसको लॉन्च किया था, तो वो कंट्री है USA, और USA कहाँ पर है, ये आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि ये वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन कैनेडा है, उसके नीचे USA है, और ये वाला रीजन मैक्सिको है। और जो US के प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि वॉल बनाएंगे, तो वॉल कहाँ बनाएंगे, ये मैक्सिको वाले बॉर्डर पर, ठीक, तो क्योंकि यहाँ से इनफ्लो होता है अधिकतर लोगों का। तो US के प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट रेटिफाई बेसल कन्वेंशन ऑफ 1995। पहले तो ये बेसल है, एक जगह है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है। अब एक वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था 1995 में, उसमें क्या था कि जो भी हजार्डस मेटल्स जो भी चीज़ें हैं उनको आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाएँ तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है, उसके लिए सब कंट्रियों को एक कन्वेंशन को साइन करना था, जो कि 1995 का है। अब इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्री ने इसे साइन नहीं किया, तो इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है, ब्राज़ील ने भी इसे साइन नहीं किया है। तो ऑप्शन, अभी रिसेंटली 97th मेंबर बना है क्रोशिया जो कंट्री है, उसने इसे साइन किया है, लेकिन किसने, क्वेश्चन ने पूछा है नहीं किया है, तो वो है इंडिया और ब्राज़ील। तो ऑप्शन डी जिसमें दिया है, बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके जो
ओकजो कोल ग्लेशियर है जो कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको पता है कि ये जो ग्लेशियर है वो थोड़े दिन पहले एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। अब ऐसा ही एक था पिजोल, एक ग्लेशियर का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट में लाइक जो वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। और ये कहाँ पर डेवलप हुआ, आल्प्स जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर। और ये वाला कहाँ पर है, ये वाला आइसलैंड है जो एक कंट्री है वहाँ पर, ये जगह थी। ये याद रखना, ये कहीं भी मिल सकता है। ओकजो कोल ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ग्लेशियर का नाम है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कहाँ पर है, आइलैंड कंट्री में, आइसलैंड कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन 47, द न्यू वेराइटी HD3226 पूसा यशस्वी नाम है इस वेराइटी का, ये किस क्रॉप की है जो कि अभी लॉन्च की गई है। तो ये है गेहूं की वेराइटी और इसे डेवलप किया IARI ने। IARI कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। आपको पता है इसका पहले जो जो IARI कहाँ पर था, वो पूसा में था। पूसा कहाँ है, बिहार में। इसको शिफ्ट किया गया, लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह है, उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ था। इसकी बॉडी पूरा दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली में राजन प्लेस के आसपास इसका हेड हेड ऑफिस है। तो जो वीट की क्वालिटी, ये वीट की जो वेराइटी है, ये ध्यान रखना है। तो इसे डेवलप किसने किया, IARI ने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि किसके अंदर आएगा, ICAR के अंदर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ICAR किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री, ये वैसे तो ऑटोनॉमस काम करता है, लेकिन आता अल्टीमेटली किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये इतना याद रखना आप लोगों को। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IMD, IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, बारिश की जो आप अनुमान देखते हैं टीवी पर कि ये 5 दिन में ऐसे होने वाले हैं या फिर यहाँ से ऐसे चक्रवात आने वाला, वो सब काम यही करता है। तो उसने वेटेस्ट प्लेस, मतलब कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से जो गीलापन होता है, उसके बेसिस पे प्लेस किया है बहुत सारे स्टेट्स को। तो उसमें पूछा गया कौन सा वाली जगह, प्लेस प्लेस पूछा गया, स्टेट नहीं पूछा गया। तो कौन सी जगह है जो ऑप्शंस में नहीं हुआ, जो कि इस साल की सबसे गीली जगह मानी गई है। तो इसमें ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, जो कि पहले बार ऐसा हुआ है, जो कि यहाँ पे 7000 mm से ज़्यादा बारिश हुई, उसके बेसिस पे इसको जज किया। बाकी आप देखेंगे चेरापूंजी, मासिनराम, ये सब आपने सुना ही होगा कि ये सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके थे, लेकिन इस साल इसे रिप्लेस कर दिया महाबलेश्वर ने। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। महाबलेश्वर कहाँ पर है, MH में, मतलब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT स्कीम इज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये वाली जो अलायंस है वो लॉन्च की गई है। तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। आप टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होंगे, जो कि ये इसमें बेसिकली क्या है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उन सबको मिला के टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन कराना, जिससे कि एजुकेशन में यूज हो सके। तो आपको याद रखना है ये किस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी। तो व्यापक पोषण, पोषण मतलब कि आपके विटामिन वगैरह ये सब जो लेते हैं, उसका जो सर्वे है वो क्या, वो कराया गया किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसमें क्या देखना है कि आपको पता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी इसमें काउंट किया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि किसी भी इलाके में किस टाइप की फसल्स होती हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट वाली फसल हो रही है कि नहीं। उसके बेसिस पर सबको मैप किया गया और उन सब के बेसिस पर फिर बताया गया कि कहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब इस सर्वे को किसने कंडक्ट किया है, तो इसे कंडक्ट किया है यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों ने मिलकर। तो ऑप्शन सी ए बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। और यूनिसेफ कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूनेस्को का कहाँ है, ये मैं बता देता हूँ, यूनेस्को का है पेरिस में। और यूनिसेफ का वहीं पर है जहाँ पर पे यूएन का हेडक्वार्टर है। अगर आपको यूएन का हेडक्वार्टर पता है तो यूनिसेफ का जरूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट इंडिया कैंपेन रिलीज बाई विच मिनिस्ट्री ऑफ बॉडी। तो कौन सी बॉडी है जिसने ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाया, मतलब इंडिया में जो आपको पता है एक तरफ माल न्यूट्रिशन है तो दूसरी तरफ ओबेसिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया चाहता है कि जो ओबेसिटी वाले उनको हेल्दी बनाए, क्योंकि हेल्दी बनाने से क्या है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सही यूटिलाइज हो पाएगा, वरना उनके जो हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि ईट राइट मूवमेंट। तो इसमें क्या करना है, हमें जो सॉल्टी चीज़ें हैं और शुगर वाली चीज़ें हैं प्लस ट्रांस फैट हैं उनको नहीं कंज्यूम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में उन पर लेबलिंग लगानी पड़े। तो लेबलिंग वाला काम कौन देखेगा, जो भी कंपनी वगैरह देख रही है उन पर रेगुलेशन कौन करेगा, वो करेगा FSSAI। तो FSSAI ये वाली जो
संस्था है वो इस जो कैंपेन है उसको हेड कर रही है, उसे रेगुलेट कर रही है. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सेटिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट. साथ ही वर्ड याद आपको रखना है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ से लेके सोफिस्टिकेटेड से लेके एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट. साथ ही ये कहाँ पर सेट किया गया है, इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट का चयन किया गया है, तो वो किया गया है IIT खड़गपुर. तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू मिनरल ए गोल्ड, इसका नाम है गोल्ड स्मिथाइट, जो नया मिनरल है अभी पाया गया है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, ये क्वेश्चन है पूछा गया है. तो ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे आप, नाइबियम, पोटेशियम और लेंथेनम और सेरियम, ये चारों के चारों इसमें हैं. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब इज अ करेक्ट आंसर. ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि आपको बस याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन 454 है, विच डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च UMMID यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव. तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, किस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड. तो आप इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये फुटबॉल से कुछ रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आप चकरा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये दिया गया है जो बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है उसके द्वारा किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान एक जैसा प्रोग्राम चलाया है जिसको कि वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इस प्रोग्राम के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट अभियान. तो आपको पता ही है कि स्वच्छता अभियान है तो उस तरह से डिजिटल पेमेंट अभियान होगा, उसमें ही वही चीज़ होगा कि एक्सेसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, ये लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा. तो इसमें जो DSCI था उसने कोलेबोरेशन किया किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और गूगल इंडिया के साथ. तो इन तीनों ने मिलकर इसको किया. ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज अ सॉरी ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 है, रिसेंटली डेनिस ओवंस वॉज इन न्यूज. तो ये न्यूज में था, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, इस वर्ड को याद रखना, डेनिस ओवंस. तो इसमें ऑप्शंस में देखेंगे, इस न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक नो. तो ऑप्शन देखेंगे आइलैंड चेन इन पैसिफिक ओशियन, ये भी गलत है. ऑप्शन बी देखेंगे आप कि आर द एक्सटिंक्ट की स्पीसीज ऑफ ह्यूमन आइड, मतलब ह्यूमन जो आज का जो ह्यूमन है उससे पहले आए थे होमिनिड्स, तो उसकी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं बेसिकली ये, जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ डेनिस ओवेंस. तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. तो इस जो सितंबर के महीने में एक टर्म बहुत यूज हुआ था उसको बोलते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी. तो इस टर्म का भी मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे. तो इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ पे वैक्सीन तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप कुछ और प्रेशर की वजह से, मतलब कि सोशल प्रेशर हो सकता है या फिर आपको कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग है उस कॉन्सेप्ट उसके बारे में, वैक्सीन के बारे में, इसलिए आप उसे अपने बच्चों को नहीं लगवा रहे हैं या फिर उसे आप अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने सोसाइटी में. तो ये वर्ड यूज़ किया गया वैक्सीन हेजिटेंसी, ये याद रखना, इसको पूछा जा सकता है. तो ये WHO ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीन डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, तो ये इसकी डेफिनेशन है. तो दोस्तों इसके साथ ही ये सितंबर महीने का पूरा जो करंट अफेयर था UPPCS का वो खत्म हुआ. अब मैं आगे पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा आएगा जब तक 15th ऑफ दिसंबर तक का. तो हमारे साथ बने रहिए डाउट चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. थैंक यू.